नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, बात मैं करने जा रहा हूं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अगर यहां हम इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है इस स्टॉक की, तो यहां पे देखिए 30.50 रुपये का स्टॉक है। और अगर आप इसकी 100 क्वांटिटी खरीदते हैं, ठीक है, 100 क्वांटिटी अगर आप यहां पे ख़रीदते हैं इसकी, तो इसको अगर आप लंबे समय तक के लिए अगर होल्ड करते हैं, 10 साल 20 साल ऐसे कुछ, तो शायद एक आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ लग सकती है। चलिए, हम इसके बारे में और हम बात करना चाहते हैं। और इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो एवरेज है, स्टॉक क्वालिटी एवरेज में है। और यहाँ पे अगर देखिए, वीडियो बनाने का मकसद भी यही था और आपको बताने का भी मकसद यही है कि देखिए, जो इसकी वैल्यूएशन है वो वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रहा है, वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में। क्योंकि अभी देखिए, कभी भी अगर कोई भी स्टॉक का अगर वेरी अट्रैक्टिव अगर वैल्यूएशन होता है, तो उसमें देखो होता क्या है, मैं आपको बताऊँ। आपको एक यहाँ देखिए वेरी अट्रैक्टिव, फिर उसके बाद अट्रैक्टिव, फिर फेयर वैल्यू, फिर एक्सपेंसिव, फिर वेरी एक्सपेंसिव, फिर रिस्की, फिर वेरी रिस्की तक यहाँ पे स्टॉक जाता है, ठीक है। तो लास्ट स्टेज यही है, जो पहला स्टेज है ना, पहला स्टेज यही है वेरी अट्रैक्टिव, और लास्ट है वेरी रिस्की। जब कभी भी आपको स्टॉक बाई करना हो, तो आप हर स्टॉक में देखिए, अगर वेरी अट्रैक्टिव या अट्रैक्टिव लेबल आपको मिले, तो आपको धीरे धीरे माल उठाना चाहिए, ठीक है। आपको फेयर वैल्यू मिले तो भी आपको धीरे धीरे उठाना चाहिए। अगर वेरी अट्रैक्टिव पे अगर आपको मिला, तो आपको माल दबोच लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बस कई सीढ़ी आपके पास बची होती है कि जहाँ तक आपको अच्छी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और अगर आप यहाँ पे अभी भी अगर बाई करते हैं, तो भी आपको एक ही साथ माल नहीं उठाना है, आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे माल भरना है, ठीक है। तो ये चीज़ रही कि वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, वेरी अट्रैक्टिव, और आपको बताने का है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। देखिए, यहाँ पे अभी भी 11 एनालिस्ट नेगेटिव की राय दे रहे हैं और 8 एनालिस्ट पॉजिटिव की राय दे रहे हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस स्टॉक में आप अगर धीरे धीरे माल उठाएंगे, तो आप एक देखिए, जैसे 60% अगर आपको इसमें 100 रुपये लगाना है, तो वहाँ पे आप 60 रुपये यहाँ पे डाल दें स्टॉक में, और 40% जो है वो आप धीरे धीरे यहाँ पे इस स्टॉक पे बाई करते जाएं। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे चलूँ, तो आपको मैं और बताऊँ, इसकी देखिए इतनी गिरावट के बावजूद भी ये भी एक साल में 13% का रिटर्न दे रहा है, ज़बरदस्त, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नीचे चलूँ, तो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे देखिए, जो हमारे बड़े प्लेयर हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, FIs हो गए, यहाँ पे देखिए वो हिस्सेदारी अपने बढ़ाते हैं, और यहाँ पे इनकी हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देखिए, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर हैं, गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड के लगभग 6 स्कीमों ने निवेश किया हुआ है। अगर हम FIs की बात करें, तो 19
19 सिपाही ने यहाँ पे निवेश किया, लगभग 5.03% की हिस्सेदारी उसके पास है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो अदर डीआईज की 3.97% की हिस्सेदारी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तो 7.23% की यहाँ पे हिस्सेदारी। और प्रमोटर के पास देखिए अभी 83.32% की हिस्सेदारी है। और यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड यहाँ पे माल उठा रहे हैं और FIs यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए हैं, और नॉन इंस्टीट्यूशनल भी यहाँ पे थोड़ा इन्होंने माल बेचा है। देखिए आपको एक चीज़ है, कभी भी आप बैंक किसी भी बैंक में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको एक लंबे अवधि तक आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो ये अभी आपको ऐसे लेवल पे मिल रहा है कि आप यहाँ पे बाई करके एक मोटी रकम बना सकते हैं। तो आप इस पे नज़र बनाए रखिए, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।